लाल सिंह चड्ढा, तुम्हारा भाई आया देखने। लाल सिंह चड्ढा इंटरवल हो चुका है और इंटरवल के बाद मैं क्या बोलूँ, इंटरवल के बाद मेरे दिमाग में बस यही चीज़ आ रहा है, कहीं ना कहीं और बेहतरीन हो सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो छोटे छोटे क्लिप्स रिलीज़ किए थे, 10 सेकंड के, 15 सेकंड के, 20 सेकंड के, 5-6 क्लिप रिलीज़ किए थे, कहीं ना कहीं आई थिंक उसी का असर है, जो मुझे इतना कुछ सरप्राइजिंग नहीं मिला अभी तक। वो सारे क्लिप्स कहीं ना कहीं इंटरवल के पहले ही चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड सीन्स हो रहे हैं, तो जो मेन हंसने वाला चीज़ होना चाहे, कुछ इमोशनल सीन हो, उतना कुछ नहीं मिला। सिंपल सी बात है, नहीं मिला। उम्मीदें जितना थी उतने नहीं मिल पाए लाल सिंह चड्ढा की तरफ से। गाने अच्छे हैं, बड़े स्क्रीन के सुनने में मज़ा आ रहा है, लेकिन वो जो फीलिंग था ना यार, वो इमोशन, वो फन फैक्टर, वो नहीं मिल पा रहा है। सिंपल सी बात है, नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं इंटरवल के बाद का क्या सिचुएशन होता है, इंटरवल के बाद, क्योंकि मूवी लंबी है, अभी काफ़ी कुछ देखना बाकी है। देखते हैं अभी कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स कितने बचे हैं, कितना कुछ यहाँ पे छुपा के रखा लाल सिंह चड्ढा के अंदर, और क्या भाई साहब सच में कुछ घूस बम्स वाली चीज़ें हैं या फिर नहीं। देखते हैं क्या कुछ होता है, मिलते हैं आपको, बताते हैं मूवी देखने के बाद। और फिलहाल के हिसाब से ठीक चल रहा है, बस ठीक ठाक बस बैठा हूँ, समझ लो बोर नहीं हो रहा है, लेकिन मज़ा भी नहीं आ रहा है, ऐसा सिचुएशन है। देखते हैं आगे लाल सिंह चड्ढा क्या सरप्राइजिंग कुछ अपना निकालता है इंटरवल के बाद, और आपको बताते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।